I also welcome Manjinder Singh Sirsa on the broadcast. Mr. Sirsa, if I could come to you over the kind of statements that Kamal Nath has been making, and of course the kind of references that he's making of the elections as well, that there are only 8 months to go for the elections, and of course he is also saying that you need to keep your eyes and ears open. What do you think he really means by saying that? Is he trying to set a tone for the elections already, trying to take on the BJP, and what is the first reaction of the BJP to this kind of a statement from Kamal Nath? No, first. We condemn them in the strongest possible words. इस मीन ये थ्रेटन करना एक सरकारी अफसर को एक नौकरी में जो आदमी अपना काम कर रहा है मेड बी लॉ एंड ऑर्डर या वैसे एडमिनिस्ट्रेशन का काम कर रहा है उनको धमकियां देना और ये धमकियां को कांग्रेस की नहीं है ये आदमी कमलनाथ वो है जिसने 1984 में बेगुना लोगों को यहाँ दिल्ली में मरवाया तो उसके बाद पुलिस को धमकाया केस खुलने नहीं दिए उसके बाद कोर्ट में गए भी लोगों ने लड़ाई लड़ी उसके बाद कमीशन बैठे उनमें इसका नाम आया सामने इन लोगों को धमकियां देकर डरा कर सत्ता हासिल करने की आदत पड़ी हुई है इनको लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन धमका सकते हैं लोग डरेंगे कल को हम सीएम बनेंगे हम लोगों को जेल में डाल सकते हैं ये तरह की मानसिकता को लेकर कांग्रेस चलती है ये कांग्रेस की कोई नई मानसिकता नहीं है पिछले 30-40 सालों से बस इतना ही बदलाव हुआ लीडरशिप बदली है मानसिकता नहीं बदली ये जो इनकी सोच है ये बिल्कुल दर्शाती है कि किस तरह से आम आदमी को ट्रीट करते होंगे जब ये इतने बड़े अफसर किस तरह से ट्रीट करते हैं धमकियां देकर सत्ता हासिल करने की कोशिश करते हैं जो कि अब टाइम बदल गया है इनका वक्त नहीं रहा अब इनको सोचना चाहिए मुझे लगता है पुलिस को इनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए ऐसी धमकियां जो दे रही है ऑलराइट Thank you, Manjinder Singh Sirsa, for speaking to us and sharing your perspective on the kind of statements that we are tracking for you viewers coming in from Kamal Nath. And let's once again listen into what Kamal Nath really had to say and where he has made that controversial comment that has in fact sparked this kind of a controversy and the political war of words that have broken out. और मैं आप सबको कहना चाहता हूं, याद रखिए, 8 महीनों में चुनाव है। डरिएगा मत आक्रमण रहिएगा अधिकारी और पुलिस को कह दीजिएगा 8 महीनों में हम आपसे हिसाब लेंगे और सब कर्मचारी और पुलिस के लोग समझ सुन ले कान खोल के सुन ले कि अच्छा हिसाब उनका लिया जाएगा